टीचर्स डे शिक्षक दिवस है आज, और इस मौके पर आज हम ऐसे ही कुछ खास गुरुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कई छात्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और उन शिक्षकों से हम जान रहे हैं कि आखिर उनकी जर्नी क्या है इसके पीछे। साथ ही हम ये भी समझ रहे हैं कि उनका गुरु मंत्र क्या है जो आज एबीपी न्यूज के माध्यम से वो बाकी छात्रों को देना चाहते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद मैं आप ही से क्वेश्चन सबसे पहले ले लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि शिक्षक दिवस के मौके पर हम आज बात कर रहे हैं, कोरोना के इस दौर में जो पढ़ाई का तरीका बदल गया है, आप लोगों के पढ़ाने का तरीका बदल गया है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं और इस बदले हुए दौर में ये कितना मुश्किल या फिर चैलेंजिंग आप लोगों के लिए हो रहा है? ये बदला हुआ दौर बहुत ही कठिन दौर है, लेकिन हर कठिनाई में भी अपॉर्चुनिटी है। शुरुआती दौर पर जब कोरोना आया तो लोग घबरा गए थे, अब क्या होगा, लेकिन उस समय जूम या गूगल मीट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम दूर दराज के बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, न प्रैक्टिस था, लेकिन इस समय अभी हम भी आप अपने ही सिस्टम से आपसे लाइव जुड़े हुए हैं, बच्चों को से लाइव होते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हाँ मिस करते हैं जो फिजिकली उनके साथ रहते थे, बातचीत करते थे, साथ में खाना खाते थे, इसको मिस करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, नए टेक्नोलॉजी, नए टेक्निक को सीखने का मौका मिला, और मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इस कोरोना काल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए और इस माध्यम से सोचिए कि आपको लाखों बच्चों तक पहुँचने का मौका मिला है। अच्छा आनंद जी, क्योंकि देखिए अभी तो कोरोना काल की वजह से पिछले 1.5 से 2 साल से कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कोचिंग संस्थान अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद हैं, बच्चे घर में रहकर ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई खास टिप्स आप देना चाहें, कुछ खास उनसे कहना चाहें, कैसे तैयारी करें वो? जरूर कहना चाहेंगे। देखिए दरअसल मैं क्या था कि पहले मैं सेमिनार में जाता था और तमाम बच्चों से मिलता था, तो बच्चे बहुत घबराए हुए रहते थे कि सर स्कूल में मेरा टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद तुरंत आकर कोचिंग सेंटर पर जाना पड़ता है, सेल्फ स्टडी का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो बच्चों अब कोरोना का संकट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, अब इसका फायदा यही उठाना है कि आपके पास समय है, आप स्कूल से बचे हुए हैं, बहुत हद तक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आने जाने के भागदौड़ से बचते हुए आपको अभी अपनी पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का मौका मिल रहा है, क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा है, कुछ नया सोचने का मौका मिल रहा है। तो इसको अवसर के तौर पर नई चीज़ों को सोचे, कुछ नए आर्टिकल्स लिखे, कुछ नया रिसर्च करे, जो भी है कुछ नया करने का अभी सबसे बढ़िया वक्त। ठीक है, और देखिए हर साल ऐसा होता है कि हजारों लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे गांव शहरों से निकलकर बड़े शहरों का रुख करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों का रुख करते हैं, वहां आकर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। विनय जी, आपसे मेरा सवाल है, अब ऐसा मुमकिन पिछले 1.5 से 2 सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा है, घरों में बैठे हैं, ऐसे बच्चों से आप क्या कहेंगे? देखिए बच्चों से मेरी पहली तो ये उनसे गुजारिश है कि पहले तो वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाएं। वो कहते हैं ना कि सुपात्र को, द्रोणाचार्य के मैंने कहा था कई शिष्य थे, पर अर्जुन से द्रोणाचार्य की पहचान है, सचिन तेंदुलकर से पहचान है उनके गुरु रमाकांत आचार्य कर, तो आपसे हमारी पहचान है, हमसे आपकी पहचान नहीं है। बट वो जो एक क्लास में कहते हैं ना, जब मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर एक भाव लेकर जाते हैं कि हमें पूजा करना, वैसे ईश्वर तो हर जगह कण कण में बसे हैं राम, तो घर में क्या है कि जब वो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनको लगता है एक साथ बगल में मैंने देखा अनुभव मेरा रहा है चैटिंग खोले हुए हैं, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो क्लास में आते थे तो वो पूरे भाव के साथ आते थे कि हमें पढ़ाई करनी है। तो बच्चों से पहले ये है कि आपका करियर है, आपका जीवन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीचर तो अच्छा टीचर तो वही है जो अच्छा स्टूडेंट है, टीचर को पहले एक स्टूडेंट के रूप में अपने को आना रहता है, वो खुद सीखता रहता है कि आपको कैसे बेहतर दे, पर आप भी कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से तैयार रहिए कि अगर ये मौका मिला है, अवसर मिला है, तो इस अवसर का हम बेहतर फ़ायदा, जैसे अभी आनंद जी ने बताया कि अब आपके पास क्रिएटिविटी का मौका है, आपके पास नई चीज, आपका पास टाइम सेव हो रहा है कि आप अपने समय को बचा पाए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली फिजिकली तैयार नहीं है कि इस क्लास को कर सके। तो मेरी पहली यही गुजारिश है उनको कि है कि हम तो बेहतर कर ही रहे हैं, आप अपने को कैसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। बड़ी बात आपने कही है विनय जी कि मानसिक तौर पर भी हर स्टूडेंट को तैयार रहना होगा इस बदलते हुए दौर में। विकास दिव्य कीर्ति जी, आप कैसे इसे समझाएंगे, मतलब क्या
कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? मैं ये कहूँगा कि बच्चे सोच रहे हैं कि वो नुकसान की स्थिति में है, लेकिन दरअसल वो फायदे में है। मैं इसके दो एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि जब बच्चे आते थे, मान लीजिए क्लास मिस हो गई, तो फिर वो क्लास नहीं कर पाते थे, छूट जाती थी। ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है कि वो क्लास उनके पास एप्लीकेशन में अवेलेबल है हमेशा, एक बार दो बार देख सकते हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देखें, स्पीड कम करके देखें, जहाँ दिक्कत है उतने हिस्से को स्लो करके देखें, बार बार देखें, वो हज़ारों ऑप्शंस हैं। ये सब फ़ायदे उनको अभी उतने समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रयोग किया कुछ दिन पहले प्रयागराज में। हमारा जब शुरू हुआ संस्थान फिर से, तो हमने सारे बच्चों को कहा कि अब आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि लगभग 10% बच्चे वापस आए, और 10 से 20%, और उनमें से भी आधे कुछ दिन के बाद वापस लौट गए ये बोलकर कि हमें ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब एक नया सिस्टम ये हो गया कि जो ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ होती है, वही क्लास लाइव मोड में एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध होती है, तो बच्चा इंस्टीट्यूट आ भी सकता है, ना आना चाहे तो नहीं भी आ सकता है। लगभग 10% बच्चे क्लास में आ रहे हैं, और 80-90% बच्चे वही क्लास घर पर कर रहे हैं इस समय, जिनको ऑप्शन मिल गया है। तो मेरा मानना ये है कि इस नई व्यवस्था में जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक ही चीज़ मिस होती है कि जो बच्चे आपस में मिलके सीखते हैं वो सीखना मुश्किल है, टीचर से सीधे मिलके जो सवाल पूछते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो टीचर के सवाल वाला तो सिस्टम ये है कि हम जूम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलके बात कर लेते हैं, बच्चे आपस में मिलके जो सीखते हैं वो थोड़ा मुश्किल है। और जब बच्चे क्लास में आते हैं 2-4 दिन, उनको रियलाइज़ होता है कि रोज़ इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है, सप्ताह में 1 या 2 बार आ जाएं, बाकी दिन घर पे कर लें। मेरे ख्याल से नया जो भविष्य है, देखिए बच्चे वो मिस भी करते हैं, जब हम छात्रों से इसे लेकर बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा कभी कभी खल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस जब होती है तो यही कमी भी महसूस होती है। आनंद सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे, आपके इस मुकाम के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है, ये सभी जानते हैं। उसी संघर्ष से जुड़ा भी मेरा सवाल, और मैं ये उन बच्चों से भी जो किसी ना किसी संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ने की मंशा मन में लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम, एक सीख दे जाती है बच्चों को। देखिए बच्चों, आज शिक्षक दिवस पर हम ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ स्ट्रगल है लाइफ का, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब मैं कैम्ब्रिज जाना चाहता था, मेरा एडमिशन हो गया था तो पैसा नहीं था, उसका स्ट्रगल था, पिताजी गुजर गए, फिर उसके बाद सुपर 30 शुरू किया तो शुरुआती दौर में बच्चों को कैसे रखूं, खिलाओ पिलाओ, इसका स्ट्रगल था। मेरे भाई, मेरी माँ ने साथ दिया, हम लोग कुछ ट्यूशन पढ़ा कर पैसे लिए, कहीं से कोई पैसा नहीं, चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट एजेंसी से लिया, लेकिन स्ट्रगल करते रहा। जब सुपर 30 के बच्चे बहुत अच्छा करने लगे, बहुत अच्छा पढ़ाने लगे हम लोग, तो माफिया लोगों का अटैक हुआ। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो कुछ लोग बदनाम करने की साजिश किए। तो बच्चों, लाइफ में संघर्ष है, हो सके मेरा संघर्ष कुछ और हो, विनय जी यहाँ बैठे उनका संघर्ष और हो, विकास जी, प्रमोद जी का संघर्ष कुछ और हो, आपका संघर्ष कुछ और दूसरा हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए जब भी आप मेहनत करिए, पूरे लगन के साथ लगिए, तो स्ट्रगल से मत भागिए, आप कोई दबाव में मत आइए, उसको सहज स्वीकार करिए और मेहनत करते रहिएगा। अगर आप मेहनत करते रहिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर आप धैर्य बनाए रखिएगा सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात याद रखिएगा कि जितनी आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल बढ़ रहा है, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, आप सवेरा के उतने करीब होते, इसी मूल मंत्र को पान कर आगे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली है, जितनी रात गहरी सवेरा उतना ही खूबसूरत होगा। अच्छा, एक छात्र हमारे साथ जुड़ गया, हितेश्वर शर्मा। हितेश्वर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु बिन ज्ञात न होता है, गुरु बिन दिशा निजान, गुरु बिन इंद्रिया ना सदे, गुरु बिन बड़े निशान। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम, आज के दौर में जैसे कि कोरोना वॉरियर्स एक वर्ड बहुत चल रहा है, तो मेरा ये मानना है, आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी को ये बोलते हुए, पर मैं मानता हूं कि टीचर्स को भी कोरोना वॉरियर्स कहा जाना चाहिए। जैसा सर बता रहे थे, जैसा बाकी मेरे साथी स्टूडेंट्स बता रहे थे, टीचर्स ने जो मेहनत की है पेंडेमिक के दौरान, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था,
बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत लगती है, नई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत समय भी लगता है। लेकिन जैसे मैं 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ, इस साल भी 10वीं में भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था, तो इसके पीछे मेरे टीचर्स का साथ था, उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी। भवन विद्यालय पंचकुला में मैं पढ़ता हूँ, तो जिस दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर सर से इंटरेक्शन हुई थी जून में, तो अगले दिन ही 150 से ज़्यादा टीचर जो थे वो मेरे साथ जुड़े, वो इतने खुश थे। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई, देखिए, मुझे लगा कि पेरेंट्स के बाद शिक्षकों का जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता। और देखिए आप, हम अगर हम सब, इनफैक्ट मैं अपने गुरुओं की भी अगर बात करूं, हम यहाँ बैठे हैं तो उनके पीछे भी उनके गुरु रहे हैं, और इसी महत्व को हम समझने की और इस पर चर्चा करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब हमने हर चीज को बदलते हुए देखा तो पढ़ाई भी इससे अछूती नहीं रही, तरीका बदला, पैटर्न बदला। अब स्कूल कॉलेजेस अगर बंद हुए तो उसकी जगह घर पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई। ना शिक्षकों ने हिम्मत छोड़ी और ना ही छात्रों ने सीखने की जो जद्दोजहद उनके मन में होती है, उसी हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा मैं सबसे एक छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूंगी, विकास दिव्य कीर्ति, विनय कुमार सिंह, प्रमोद माहेश्वरी और आनंद कुमार जी, आपसे भी। लेकिन प्रमोद जी, आपसे पहले, इस बदले हुए तरीके में, क्योंकि बदला, सब कुछ बदल गया है, तरीका, हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरह से सिखा रहे हैं, हमारा जरिया क्या है, एक एक छोटा छोटा कॉमेंट एक गुरु मंत्र के तौर पर आप सबसे, हम सब छात्रों के लिए। मेरा तो सभी स्टूडेंट्स से ये कहना है कि जो चेंज है उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये चेंज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक न्यू नॉर्मल है जो सब लोग कहते हैं। और अगर उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो दे विल बी यू नो लर्न फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, और उन दोनों वर्ल्ड में जो लर्निंग है वो उनको बहुत एक्सेलरेट करेगी टू अचीव यू नो वॉट एवर दे डिजायर इन देयर लाइफ। तो अभी टाइम आया एक्सेप्टेंस का, ये नहीं कि ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन बुरा है, दोनों बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्टेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा सब स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज होगा आज टीचर्स डे पे कि एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। विकास जी, विकास दिव्य कीर्ति जी, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो स्मार्ट लोग उसके साथ चलते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। नया दौर है, जब पहली बार कागज बना था, पहली बार प्रिंटिंग हुई थी, हर बार स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई होगी, इस बार ऑनलाइन आया है, नई तकनीक है, जुड़िए, आगे बढ़िए, भविष्य इसी का है। ठीक है, विनय कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अगर हम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो बदलाव के साथ ही ये ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो नोकिया नहीं बदला इसलिए आज नोकिया पीछे हो गया, तो समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो आज आप अपनी जो मुकाम जो हासिल करना चाहते हैं वो आप कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो समय के साथ बदलिए, तकनीक के साथ बदलिए, और समझिए कि ये बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन से बाहर नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर है, हमारे अंदर है। ये बदलाव आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मैं यही कहूँगा अपने सारे स्टूडेंट से कि बदलने के लिए तैयार रहो, पुरानी चीज़ों को भी रखो पर नए बदलाव को हमेशा अपने स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आनंद सर, इस मौजूदा परिस्थिति में आपका गुरु मंत्र क्या है छात्रों के लिए? छात्रों के लिए तो मंत्र सभी लोगों ने दिया, मैं शिक्षकों के लिए देना चाहता हूँ मंत्र अपने, और मंत्र क्या, मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस को, कि देखिए आज शिक्षक दिवस है, हम तमाम शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस तौर पर लेके ऑनलाइन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करें जैसे वीडियो गेम से बच्चे चिपक जाते हैं, हम शिक्षकों के क्लास के लिए वो लोग एकदम परेशान रहे, बेताब रहे, हम लोग मिलजुल कर ऐसी क्रांति लाने का प्रयास करें और इस कोरोना के मौके को सुखद बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, इस मुश्किल वक्त में आप ही थे जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा छात्रों का, और उन्होंने उन्हें इस मुश्किल वक्त में भी कैसे इस आपदा के में अवसर खोजा जाए ये आप लोगों ने मुमकिन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।